जैसा कि मैंने साइकिल प्योर्स की अगरबत्तियों के कुछ पैकेजिंग बॉक्सेस और उनके जो है स्टिक्स अगरबत्तियां मैंने ट्रायल की, ट्रायल करने के बाद मुझे लगा कि इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है सीखने को मिलेगी हमें। उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि अगरबत्ती बिजनेस से रिलेटेड ऐसी कुछ इन्फॉर्मेशन आपको देते रहता हूँ जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। सो बात करते हैं अपने टॉपिक्स के ऊपर। जैसा कि अभी काफ़ी सारे लोग जो है अगरबत्ती इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, अगरबत्ती के बिजनेस से जुड़े हुए हैं, एक यूनिक और अच्छी प्रोडक्ट बनाने के लिए हमें किस किस चीज़ों, किस किस बातों का ध्यान रखना होता है, और एक यूनिक प्रोडक्ट बनाने के लिए और क्या क्या चीज़ें की ज़रूरत होती है, पैकेजिंग मटेरियल्स क्वालिटीज़, ये सारी चीज़ों के बारे में जो है बात करते हैं। जैसा कि कुछ ब्रांड्स हैं जिनका मैं नाम लेना चाहूँगा, साइकल्स प्योर्स, जेट ब्लैक और काफ़ी सारे जो है भारत के अंदर बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं, काफ़ी ज़्यादा उनके प्रोडक्ट की डिमांड बनी होती है, मार्केट्स में उनकी मोनोपोली सबसे ज़्यादा होती है, मतलब सबसे ज़्यादा बिकने वाला जो प्रोडक्ट होता है उन्हीं का होता है, और जो है एक बड़ा मार्केट वो कंपनीज कैप्चर करके रखी हुई हैं जिनसे उनका एक मोनोपोली हमेशा बना ही रहता है। तो सबसे पहले हमें मार्केट्स को ज़्यादा समझना होता है। कई लोग मार्केट को समझने में काफ़ी कमजोरी कर देते हैं या फिर मार्केट को समझ ही नहीं पाते। तो सबसे बड़ी चीज़ है मार्केट जिसमें आपका प्रोडक्ट जो है रन करने वाला है, उसमें काफ़ी सारी कैटेगरीज हैं। आप प्रीमियम क्वालिटीज़ में लॉन्च करने वाले हो या फिर आप कुछ ऐसे यूनिक प्रोडक्ट्स लॉन्च करने वाले हो जो कि मार्केट्स में नहीं है, तो इस टाइप के प्रोडक्ट्स जो है काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटेड होते हैं और चलते भी हैं। तो इसमें एक एग्जाम्पल मैं दिखाना चाहूँगा, जैसे कि ये वुड्स अगरबत्ती है। वुड्स देखा जाए तो ये प्राइस के मामले में भी काफ़ी अच्छा है, मतलब काफ़ी अच्छे प्राइजेज में मिलते हैं, और फ्रेग्रेंस इसकी काफ़ी यूनिक है। जैसा कि कई लोग अपना ब्रांड बनाते ज़रूर हैं लेकिन बनाने के बाद कुछ ही टाइम में वो फ्लॉप हो जाते हैं। फ्लॉप होने का रीज़न होता है क्वालिटीज़ अच्छी नहीं हो पाती, पैकेजिंग कहीं ना कहीं कमज़ोर होती है, जिनकी वजह से उनका प्रोडक्ट जो है फ्लॉप हो जाता है। तो इन चीज़ों को आप ध्यान करें, क्योंकि इन सारी चीज़ों करने के लिए काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगती हैं। अगर आप रिसर्च के बेस में काम नहीं करेंगे तो उसमें लॉस आपका ही है, क्योंकि एक जो बड़ी ब्रांड होती है वो सारी चीज़ों एनालिसिस करके ही अपना प्रोडक्ट लॉन्च करती है, क्योंकि उन्हें काफ़ी सालों का एक्सपीरियंस होता है और उनको मार्केट समझने में आसानी होती है। उनके पीछे काफ़ी मैनेजमेंट्स होती हैं, डीलर्स होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, तो उनके बेस में उनका वर्क होता है। लेकिन एक जो छोटे और जो स्मॉल केस में जिनका ब्रांड होता है तो उनके पास ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं, तो उनके साथ में एक रिस्क भी बना होता है। तो ये सारी चीज़ें आप बहुत ध्यान से और काफ़ी सोच समझ के, हालांकि इसमें आपको टाइम देना हो तो आप टाइम दीजिए, लेकिन जल्दबाजी बिल्कुल ही ना कीजिए, क्योंकि अगर छोटी सी भी गलती हुई तो आपका सारा मेहनत और आपका सारा पैसा जो है ख़राब हो जाने वाला है और आपके हाथ में कुछ नहीं आने वाला है। सो पहले आप बड़ी ब्रांड को समझें, उनसे सीखें, उनके फ्रेग्रेंस में क्या यूनिक चीज़ें होती हैं जिनसे लोगों की काफ़ी रिक्वायरमेंट होती है, काफ़ी प्रोडक्ट उनका सेलिंग होता है। तो सबसे बड़ी चीज़ें हैं कि बड़ी ब्रांड से हमें सीखना चाहिए, ये नहीं कि हमें हमारा अपना प्रोडक्ट बना दिए फिर हम ऊपर हवा में उड़ते हैं कि हमारा प्रोडक्ट तो चलेगा ही चलेगा ही, लेकिन एंड में मिलता है हमें कुछ नहीं, प्रोडक्ट जो है पूरी तरीके से फ्लॉप हो जाता है और कहीं ना कहीं हमारी इंडस्ट्रीज, हमारा काम जो है पूरी तरीके से बंद हो जाता है। तो इन चीज़ों को आप ध्यान रख के ही काम करें, मेरी आपसे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है। तो ये तो एक वुड्स की एग्जांपल्स हो गई। उसके बाद हम कुछ जेट ब्लैक की पैकेट्स जो होती हैं उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। जैसे कि ये जेट ब्लैक की पैकेजिंग है और ये इनका भी काफ़ी फेमस जो ब्रांड नाम चलता है वो मंथन के नाम से है, मंथन गोल्ड 100 करके इनकी पैकेजिंग है, और ये भी काफ़ी मार्केट्स में डिमांड बनी होती है। जैसा कि आप गूगल्स में, यूट्यूब्स में, एडवर्टाइजमेंट में और कहीं भी आप देखे होंगे इस प्रोडक्ट को। तो इन बड़ी ब्रांड से आप कुछ चीज़ें ज़रूर सीखिए, इनके प्रोडक्ट को आप यूज़ कीजिए, अलग अलग कंपनीज़ के अलग अलग जो प्रोडक्ट्स बहुत सारे हैं, जो मोस्ट पॉपुलर ब्रांड है उनका, जो मोस्ट पॉपुलर जो चलने वाला प्रोडक्ट है उनका, वो आप ट्राई कीजिए और ट्राई करने के बाद एक्सपीरियंस कीजिए कि उनके प्रोडक्ट्स में और हमारे प्रोडक्ट्स में कितना का अंतर है या फिर क्या फ़र्क है। सो उस तरीके से आप अपना जो है प्रोडक्ट लॉन्च करें और कभी भी किसी भी चीज़ को जल्दबाजी ना करें। तो ये बॉक्सेस आपको दिख रहे होंगे, वही जो पैकेजिंग है इसमें ब्लैक स्टिक्स मेरे ख्याल से होगी, इसमें दो तीन कैटेगरीज में अलग अलग अगरबत्तियां हैं, और ये मेरे ख्याल से 9 इंच के आसपास है और इनकी जो बॉक्सेस बनी हुई है वो 12 इंच में बनी हुई है। तो सारी कैटेगरी जो है प्रोडक्ट की क्वालिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता, उसके पीछे जो उसकी पैकेजिंग है, मार्केट स्ट्रेटेजी है और काफ़ी सारे चीज़ें एडवर्टाइजमेंट और काफ़ी सारी चीज़ें जो उनके पीछे रन करती हैं।
तो पैकेजिंग के साथ ही आपका जो है इसमें प्रोडक्ट की क्वालिटी भी होनी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। ये नहीं कि आप ऊपर से आपका पैकेजिंग काफ़ी अच्छा है लेकिन प्रोडक्ट आप अच्छा नहीं डाले हो, मतलब क्वालिटीज़ अच्छी नहीं है, तो उस कंडीशन में भी आपको नुकसान होने वाला है। तो ये बड़ी कंपनीज और बड़े ब्रांड के जो प्रोडक्ट हैं उनको आप एनालिसिस कीजिए, उसको एक्सपीरियंस कीजिए और समझिए कि उसके प्रोडक्ट में क्या यूनिक चीज़ें हैं जिससे मार्केट में उनकी मोनोपोली और डिमांड्स बनी होती हैं, तभी जाके आप एक अच्छा ब्रांड बना पाएंगे। चाहे स्मॉल केस में आपका बिजनेस है या फिर फ्यूचर में आप बिजनेस करने वाले हो या फिर आप बिजनेस रन कर रहे हो। सो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले आने वाले कुछ नए टॉपिक्स में, नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।